नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल एक प्रकरण सामने आया था एम्बुलेंस वाला, आपको याद होगा। एम्बुलेंस से शराब बरामद की गई थी, उसके बाद बिहार में सियासी बवंडर उठ खड़ा हुआ था। दरअसल ये एम्बुलेंस जिन सांसद महोदय के फंड से जारी की गई थी, वो पहले भी एम्बुलेंस के विवाद में फंस चुके हैं। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी की बात कर रहे हैं। राजीव प्रताप रूड़ी एम्बुलेंस से शराब बरामद होने के बाद एक बार कल फिर फंसते नजर आए थे। एम्बुलेंस वाला विवाद जो है वो पप्पू यादव ने उजागर किया था। एम्बुलेंस का जो प्रकरण था, जिसमें पप्पू यादव उनके अहाते में रखे एम्बुलेंस का उन्होंने उजागर किया था। लगभग 50-60 की संख्या में एम्बुलेंस वहाँ खड़ी थी जो धूल फाँक रही थी। ये कोरोना का वक्त था जिसमें एम्बुलेंस की ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी बिहार को, लेकिन एम्बुलेंस ढाक टोक कर रखे गए थे और धूल फाँक रहे थे। तो इस पर खासी खिरकिरी हुई थी, छींचा लेदर हुआ था। और उसके बाद एम्बुलेंस से बालू ढोने का मामला भी सामने आया था, बालू भी ढोया गया था, ये वीडियो भी वायरल हुआ था। और अब कल जब शराब ढोने का मामला सामने आया तो सियासी बवंडर खड़ा हो गया। इस पर तमाम दलों ने घेरना शुरू कर दिया बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी को और साथ ही साथ नीतीश कुमार को, क्योंकि बिहार की शराबबंदी की भी धज्जियाँ उड़ रही थी एम्बुलेंस के जरिए। हालांकि इस पूरे मसले पर रूड़ी ने अपनी सफाई दी और रूड़ी ने साफ तौर पर कहा कि जिसकी ये गलती है इसमें उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल ये रूड़ी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के सांसद फंड से ये एम्बुलेंस दिया गया था, जो पंचायतों में दिया गया था, मुखिया को दिया गया था। और इसमें किसी एक मुखिया पर आरोप लग रहा है कि मुखिया ने इसमें शराब ढोने का काम किया मरीजों को ढोने के बजाय। तो अब इस मसले पर चाहे बीजेपी हो चाहे मांझी, सब साथ खड़े हो गए हैं और सांसद के साथ खड़े हो गए हैं, राजीव प्रताप रूड़ी का समर्थन किया है। मांझी ने भी बड़ी बात कह दी है इस पर। मांझी ने क्या कुछ कहा है पहले आपको सुनवाते हैं। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के सांसद निधि से जो एम्बुलेंस खरीदा गया उसमें शराब पकड़ा गया। सर, विपक्ष सवाल उठा रही है कि यही शराबबंदी है क्या बिहार में? देखिए, विपक्ष का तो कोई काम है नहीं, ये कौन मुद्दा है? हम भी MLA फंड से देते हैं, ये को एम्बुलेंस देते हैं, लेकिन हम देते हैं स्वास्थ्य में, वो दिए थे मंत्री, क्या कहते हैं उनको, मुखिया को। अब मुखिया क्या कर रहा है इसमें, राजीव प्रताप रूड़ी का क्या प्रश्न आता है? उस पर जांच होगी, अगर सचमुच में ऐसा हुआ होगा तो मुखिया पर कार्रवाई होगी। इस शराबबंदी दिन दहाड़े बिहार में बेचा जा रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री का ड्रीम में योजना है सर कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू हो नहीं पा रहा? देखिए, उनकी योजना बहुत उत्तम योजना है और बहुत पवित्र मंशा से किए हैं जी, और हम भी कहते हैं कि हम उस घर में जन्मे हैं जहाँ शराब का बनना बिकना सब होता था, लेकिन हम आज 77 वर्ष के होने जा रहे हैं, हमने शराब नहीं किया, तो कौन हमको कोई रोक था क्या? लेकिन और किनसे मुलाकात होने का कार्यक्रम है सर? नहीं, आज तो हम बैक हो रहे हैं, आज नित्यानंद जी से मुलाकात करेंगे अगर हो सकता है तो, अब नहीं तो फिर बैक हो जा रहे हैं गया। कहा जा रहा है कि जो JDU और BJP में लगातार खींचतान देखी जा रही, उसमें आपको आगे किया गया है NDA के रूप में कि आप सबसे सीनियर लीडर है, आप समझौता करने के लिए आगे आ रहे हैं। एक बार जब हमने कहा कि हम कोई राजनीतिक बात नहीं करने आए थे तो हम इसको कैसे करते हैं? अगर मौका मिलेगा, हम तो नहीं समझते हैं कि NDA में। हाँ, सुन लिया आपने कि जीतन राम मांझी ने कहा है कि ये तो अजीब बात हो गई, किसी सांसद के फंड से अगर एम्बुलेंस दिया जाता है किसी को चलाने के लिए, अगर वो गलती करता है तो इसमें किसी सांसद या विधायक की गलती कहाँ है? मांझी ने भी कहा कि मैंने भी अपने फंड से एम्बुलेंस दिए हैं और अगर उस एम्बुलेंस से कोई गलत करता है तो ये किसी सांसद या विधायक की जिम्मेवारी या जवाबदेही नहीं होती है। इस तरह का जो बेबुनियाद आरोप लगाना जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। मांझी बिल्कुल बचाव की मुद्रा में है, राजीव प्रताप रूड़ी के पक्ष में खड़े हैं। इधर शाहनवाज हुसैन जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उद्योग मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं शाहनवाज हुसैन, उन्होंने भी साफ साफ कुछ ऐसी ही बातें कही हैं। साफ कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन, ये सुनिए पहले आप। एक सवाल कि बिहार में एम्बुलेंस जो है वो शराब ढोने के लिए है, बालू ढोने के लिए है, मरीज ढोने के लिए है? एम्बुलेंस सेवा के लिए है और जो गड़बड़ी करता है उस पर कार्रवाई होती है। जो व्यक्ति गड़बड़ी करता है, मंशा गलत नहीं होती है। हर सांसद विधायक एम्बुलेंस चलाते हैं, अगर कोई व्यक्ति उसका दुरुपयोग करे तो उस व्यक्ति पर तो कार्रवाई हुई है। कुछ दिन पहले सर उस एम्बुलेंस में बालू धूता दिखाई दे रहा तो सब पे कार्रवाई हुई है। मान लीजिए हम आपको दे देंगे और आप उसमें कोई। तो सुन लिया आपने शाहनवाज हुसैन की भी बातें,
उन्होंने भी साफ साफ यही बातें कही हैं, कुछ इसी तरह की बात की, अगर किसी के सांसद निधि या विधायक निधि से कोई एम्बुलेंस दिया जाता है और उस पर कोई गलत काम करता है तो इस पर देने वाले की गलती आखिर कहाँ है, इस तरह की बात कहते दिख रहे हैं। सफाई सुलह चल रहा है और बीजेपी और मांझी दोनों राजीव प्रताप रूड़ी के साथ खड़े हो गए। बने रहिए इस रिपोर्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।